क्लास टेंथ का जो विज्ञान है उसका पाठ 11 क्या है, मानव नेत्र और एवं रंग बिरंगा संसार। देखिए मानव नेत्र जब रहता है ना तब ये संसार रंगीन दिखाई देती है, ये संसार हसीन दिखाई देती है, रंगीन दिखाई देती है, चारों तरफ दुनिया एकदम लगता है कि चारों तरफ चाहता एकदम रंग बिरंगा प्रतीत होता है। कब जब आपका आँख है, मानव नेत्र है, सबसे पहला पाठ पे ये प्रश्न आता है कि मानव नेत्र है क्या। देखिए मनुष्य को भगवान द्वारा दिया गया पांच वो ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आँख उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग इसको अहमियत देता है। मनुष्य की पांच ज्ञानेन्द्रियों में से एक मानव नेत्र है, वह यह ज्ञानेन्द्रिया है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आँख जवाबदेही जवाबदेह होता है किसी वस्तु को देखने के लिए। मतलब आँख नहीं है तो आप बिल्कुल किसी वस्तु को देख नहीं सकते, आपके लिए संसार ब्लैक एंड वाइट है, कुछ है ही नहीं, एकदम जिंदगी पूरा एकदम सुनसान हो जाएगा आपका। कल्पना ही करके देख लीजिए कि चार दिन आप अभी ना आँख के रह के देख लीजिए कैसा लगेगा, प्रतीत होगा समाज दुनिया, न किसी का रंग, न किसी का रूप, न कहीं की सजावट, कुछ समझ नहीं पाएंगे आप, पर जिंदगी आपके लिए एक वीराना उदास हो जाएगा आपका जिंदगी, है ना। तो ये अत्यंत हम कह सकते हैं कि मानव नेत्र अत्यंत मूल्यवान सुग्राही ज्ञानेन्द्रिय है। सुग्राही मतलब क्या, जिससे हम देख पाते हैं। अब बात है कि मानव नेत्र के कुछ भाग को जानिए। इससे पहले आपको मानव नेत्र को बनाने आना चाहिए कि मानव नेत्र को कैसे बनाए, कौन कौन से भाग होते हैं। तो मानव नेत्र को बनाए कैसे, देखिए मानव नेत्र जो है ना वो ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, तो उसको ऊपर से जो दिखता है वो कुछ और है। देखते जो है हम लोग आँख वो कुछ इस प्रकार सी है, ये जो आँख देखते हैं हम लोग ये कुछ इस प्रकार की है ना, जिसे हम ऊपर से देखते हैं। और ये ऊपर से दिखने वाला आँख और अंदर के आँख में अंतर होता है। अंदर के आँख में क्या होता है, अंतर होता है। ऐसा नहीं होता है कि जो हम बाहर से देख रहे हैं वही आँख अंदर हो, ये बाहर से दिखने वाला आँख है इसको हम देख रहे हैं, बट ये आँख अंदर का ऐसा बनावट नहीं होता है। विज्ञान में इसका बनावट हम लोग कुछ इस प्रकार से देखते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले हम बनाते हैं लेंस, ये क्रिस्टलीय लेंस है। इसी के जस्ट ऊपर होता है परितारिका, क्या होता है परितारिका, ये परितारिका है, इधर से परितारिका है, ये परितारिका है। और परितारिका के जस्ट इधर आई लेंस से जुड़ा होता है, ये होता है पक्षमाभि पेशियाँ, क्या होती हैं पक्षमाभि पेशियाँ, इसको बनाना सीख लीजिए, एग्जाम में बनाने के लिए भी आता है। और इसी के जस्ट ऊपर होता है स्वच्छ मंडल, क्या होता है स्वच्छ मंडल, ऐसे देखिए ये स्वच्छ मंडल की परत है, ठीक है। और इसी से जुड़ा हुआ है हमारा मानव नेत्र, ऐसा इसी से जोड़ के बना लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, ये पक्षमाभि पेशियाँ इसे जुड़ी होती है, इसी से जुड़ी होती है, ये पक्षमाभि पेशियाँ भी इसे जुड़ी होती है। और देखिए ये लेंस हमारा जो है लेंस इसी से लटका हुआ रहता है पक्षमाभि पेशियों से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहले शुरुआत से हम बताएंगे कि कौन कौन पार्ट होता है, ध्यान से समझिएगा, हम उसका नाम भी अच्छा से लिखते जाएंगे बताते जाएंगे। सबसे पहला पार्ट इसका क्या है, मानव नेत्र का जो मेन भाग है उसमें सबसे पहला भाग है कॉर्निया या स्वच्छ मंडल, क्या है कॉर्निया या स्वच्छ मंडल, ये आपका ये मानव के सबसे नेत्र का सबसे ऊपरी परत होता है, झिल्ली होता है पारदर्शी झिल्ली, इससे प्रकाश आसानी से जाता है, ये है क्या आपका परितारिका या कॉर्निया या कॉर्निया या स्वच्छ मंडल, क्या कहते इसको कॉर्निया कहिए, इसी को कॉर्निया कहिए या इसी को क्या कहिए आप स्वच्छ मंडल, क्या कहिए स्वच्छ मंडल, ये पारदर्शी परत है, क्या लिखा हुआ है यह नेत्र की सबसे ऊपरी परत है, झिल्ली होती है जिसे प्रकाश जिससे होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, यहीं से प्रकाश को आता है, इसी से प्रकाश होकर इधर से जाता है सनलाइट, समझ गए, कोई भी लाइट इधर से जाता है। अब इसके अंदर जो है ये जो भाग देख रहे हैं ये परितारिका है, क्या है परितारिका, जो आपको हम ग्रीन कलर से दिखा रहे, देखिए ये देख रहे हैं ये क्या है परितारिका, इधर से भी हो गया परितारिका, ठीक है। परितारिका कॉर्निया के पीछे गहरा पेशिया डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, यही बताता है कि पुतली का साइज कितना ज़्यादा रहेगा कितना कम रहेगा, परितारिका ही पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, ये दोनों देख रहे हैं ये दोनों के दोनों क्या है परितारिका है, क्या है परितारिका परितारिका। मतलब क्या कि आँख में कितना प्रकाश प्रवेश करेगा
ये यही निर्धारित करेगा, ये फैल जाएगा तो ज्यादा प्रकाश जाएगा और ये इसे झसट जाएगा तो कम प्रकाश जाएगा, है ना। आंख में कितना प्रकाश, ये गेट मैन की तरह है, देखिए आंख जैसे दरवाजा पर गेट मैन होता है ना, कितना कितना आदमी को जाने देना है कितना आदमी को नहीं जाने देना है वही डिसाइड करता है, उसी प्रकार से गेट मैन की तरह यहाँ पे रहता है। गेट मैन माने क्या, द्वार पर खड़ा द्वारपालक है बेचारा, ये बताता है कि कितना प्रकाश को जाने देंगे कितना प्रकाश को नहीं जाने देंगे, ये परितारिका निर्धारित करता है। और साथ ही इसी के आधार पे हमारा आँख का पुतली का आकार भी घटता बढ़ता रहता है। जब हम अंधेरे में होते हैं, जब अंधेरा में आते हैं तो प्रकाश ज़्यादा जाने देता है, कहते हैं खुल जाता है, ये फैल जाता है, ये फैलेगा तो आँख का पुतली बड़ा हो जाएगा, तो अंधेरा में आँख का पुतली बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। और जब हम रोशनी में आते हैं, जब ज्योत में आते हैं तो क्या होता है कि आँख का पुतली जो होता है ना वो छोटा हो जाता है। रोशनी में आते तो क्या होता है, आँख का पुतली छोटा हो जाता है, क्योंकि रोशनी बहुत ज़्यादा आ रही है तो देखता है कि बहुत प्रकाश आ रहा था, ये सुकुर के चलाता है नज़दीक में, तो आँख की पुतली क्या होता है, छोटा, ठीक है ना। और जब आप कभी आप इजोत से मैंने प्रकाश वाला जगह से अंधेरा जगह में घुसते हैं तो क्या होता है, डायरेक्ट से दिखाई नहीं देता आपको, अंधेरा अंधेरा महसूस होने लगता है, थोड़ा देर रुकते हैं तो आपको दिखाई देने लगता है सब कुछ, है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप बाहर थे सूर्य के प्रकाश में तो क्या था, परितारिका क्या था, सिकुड़ा हुआ था, ऐसे सिकुड़ा हुआ था, आँख का पुतली क्या था, छोटा था। और जैसे अंधेरा कमरा में गए तो अचानक ये बड़ा नहीं होगा, थोड़ा समय लगता है परितारिका को मैंने आँख के पुतली को साइज को बढ़ने घटने में थोड़ा समय लगता है। मगर आप घर से अंदर घुसे रूम में, अब रूम में अंदर घुसे तो आपको क्या पता कि अंदर क्या है, अंदर तक कुछ पता ही नहीं चला क्योंकि आपको अंधेरा दिखाई, क्योंकि आप रोशनी से डायरेक्ट अंधेरा में आए हैं, तो आँख का पुतली बड़ा होने में थोड़ा सा ये परितारिका थोड़ा फैलेगा, इसे जैसे फैलेगा तो आँख का पुतली क्या हो जाएगा, बड़ा, तो आप थोड़ा देर के बाद आपको सब कुछ उसी रूम में दिखाई देने लगता है। कभी कभी ऐसा घटना होता है कि आप रूम में गए अचानक जाके बस्ता को फेंके हट बहुता पढ़े लिए हुआ बैठे और कभी हम जाकर पेट पर सूत गए, पता लगे बगले में मौसा जी बैठे हुए, अब गुस्सा है कैसा अहंकारी लड़की है, कसरम नहीं आता है, उधर उन्हें कहीं फेंक दिया है बस्ता कोने का जाके वैसे सूत गई, दिखाई नहीं देता, परनामों नहीं किए, गुस्सा है, माँ फायर है। अब भैया माँ फायर विज्ञान पढ़े होते तो माँ फायर नहीं होते, वो समझते हैं भैया तू जोत में से अंधेरा में आ तो दिखाई थोड़ी दिया होगा उसको, वो खाम खा परेशान है, अब दिखाई दे रहा है, पहले दिखाई नहीं दिया था, समझ रहे हैं, ऐसा होता है। ये विज्ञान का करीब भाई कि अंधेरा से आप अंधेरा में जाइए तो थोड़ा देर लगेगा, तो पर ये मेन होता है नियंत्रित करने वाला, कौन होता है, परितारिका। अब क्या होता है, नेत्रोध, तीसरा नंबर पार्ट क्या है, नेत्रोध। देखिए कॉर्निया, ये स्वच्छ माने देख रहे हैं, स्वच्छ माने कॉर्निया, ये कॉर्निया और इस परितारिका के बीच में कुछ द्रव होते हैं, क्या होते हैं, कुछ द्रव पदार्थ होते हैं यहाँ पे इसके बीच में, यहाँ पे द्रव पदार्थ होते हैं कुछ पदार्थ, इसे बोलते हैं नेत्रोध, क्या बोलते हैं, नेत्रोध, ये नेत्रोध होता है यहाँ पे, ठीक है ना। माने क्या कि स्वच्छ मंडल यानी कि उसे कॉर्निया कहते हैं, दोनों का नाम एक ही है, अलग अलग नहीं है, कॉर्निया कहिए चाहे स्वच्छ मंडल कहिए, तो कॉर्निया के और परितारिका के ठीक बीच में जो होता है ना वो नेत्रोध होता है, क्या होता है, नेत्रोध। ये मतलब चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ होता है जो आँखों में मतलब नमी बनाए रखता है कुछ, है ना। अब देखिए आँख में कुछ पता नमी बनाए रखता है, रुख रुख नहीं रहेगा ना। अगला क्या है इसके बाद, इसके जस्ट बाद नेत्रोध के जैसे अंदर घुसिएगा तो यह क्रिस्टलीय लेंस, इस आँख का सबसे मेन भाग क्या होता है, लेंस, क्या होता है, लेंस, ये है हमारा लेंस, नेत्रोध, नेत्रोध नहीं सॉरी क्या कहते हैं, अभिनेत्र लेंस कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, अभिनेत्र लेंस। आकार देख के बता सकते हैं ये उत्तल लेंस है, कैसा लेंस है, उत्तल लेंस। अब ये कांच का बना हुआ नहीं है, मांसपेशियों का बना हुआ लेंस है, गॉड जी का बनाया हुआ लेंस, ये बड़ी अद्भुत लेंस होता है। ये जो नेत्र लेंस है इसी को कहते हैं हम लोग क्या, अभिनेत्र लेंस, क्या कहते हैं, अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस, या शॉर्ट में सीधे कह सकते हैं लेंस, आंख का लेंस यही है, ठीक है ना, मेन भाग यही है। अब ये जो लेंस है देखिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, क्रिस्टलीय लेंस, इसको अभिनेत्र लेंस को क्या कहता है, क्रिस्टलीय लेंस भी कह सकते हैं, अभिनेत्र लेंस का दूसरा नाम क्या है, क्रिस्टलीय लेंस। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आपको दिखाई दे, मानव नेत्र में रेस जो क्रिस्टलीय लेंस को ही क्या कहते हैं, अभिनेत्र लेंस। मानव नेत्र में जो रेशेदार जेलीवत पदार्थ से बनी एक लेंस होती है, मतलब देखिए ये मांसपेशियों का रेशेदार जेलीवत, जेलीवत माने क्या होता है, जेली खाए होगा आप, जैम जेली वो क्या कहते हैं उसको, टॉफी भी खाते हो या जेली, ठीक है, जेली वो मार जैसा रहता है, अरे क्या बोले उसको, जेली देखे ना जेली, अरे जेली चॉकलेट वोकलेट लड़का से देखते खाते रहता है वो, तो डिब्बा में आता आराम से निकाल के खाया, मार जैसा रहता है पच पच, है ना, तो वो वही है, वो जेली की तरह होता है ये,
लेंस उसी तरह से होता है कि लेंस ऐसा नहीं कि कठोर है कि मारे हाथ से फूट जाएगा, नहीं, ये पचपच एकदम लेंस कथिक रहता है, जेली टाइप का रहता है। अब जेली आप और जगह देखोगेगा, ऊपर होता है वो गोली होता है जिसको पानी में रखा जाता है फूल जाता है और उसको लोग लाल पीला रंग का रखता है सजावने के लिए, वो जेली होता है, रहेगा दाना की तरह, पानी रखते तो फूल कतरा हो जाएगा, नहीं सजावट के लिए लोग रखता है उसको, देखेगा कि नहीं देखे आप लोग, तो वही जेली की तरह ठीक उसी तरह का ही लेंस होता है। हम लोग लगता है कि लेंस कठोर है, कठोर नहीं है, एकदम सॉफ्ट होता है, इसीलिए आँख को भुका भी जाएगा तो लेंसों फूट जाता है, अंधा भी हो सकता है इंसान, तो ये देखते हैं ना मतलब क्या है, एकदम जेली की तरह सॉफ्ट होता है। अब देखिए किसी वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ये ऐसा लेंस, अब उस उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाया ज्यादातर, उत्तल लेंस, तो ये उत्तल लेंस की तरह बिहेव करता है, मतलब मानव का जो नेत्र लेंस है वो उत्तल लेंस है, परीक्षा में ये भी आता है कि मानव का नेत्र लेंस कैसा है, तो उत्तल लेंस है, और ये उत्तल लेंस का प्रतिबिंब जो बनाता है ये रेटिना पे बनाता है, ये रेटिना है, ये क्या है, रेटिना, ये पर्दा हो गया जहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता है, किसी भी चीज़ का प्रतिबिंब जो है ना इसी पे बनेगा, जो कहते हैं क्या रेटिना, ये जो भाग देख रहे हैं ये पर्दा है, क्या है, पर्दा, इसी पर्दा पर किसी भी चीज़ का प्रतिबिंब बनेगा जिसको कहते हैं क्या, रेटिना, रेटिना क्या होते हैं, रेटिना, रेटिना मानव नेत्र का वह भाग है जहाँ पे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे सीधा वस्तु को देखें, यहाँ पे ये देखें है ना, ये वस्तु को हम देख रहे हैं, तो ये वस्तु का प्रतिबिंब इस आँख में यहाँ पे नहीं बनेगा, ये वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, वो भी कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा, ऐसा उल्टा बनेगा, समझ में आया, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बहुत छोटा बनता है यहाँ पे प्रतिबिंब, ठीक है, याद रहेगा, तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है, कैसा बनता है, तो वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा बनता है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, न जाने कितनी बार पूछेगा, इसको याद कर लीजिए, रट्टा मार जाइए, कभी भी कहीं भी पूछ सकता है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है, रेटिना के एक और नाम है क्या, दृष्टि पटल, क्या नाम है इसका, नाम है दृष्टि पटल, तो याद रखिएगा दृष्टि पटल इसी को कहते हैं, दृष्टि पटल, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको दृष्टि पटल याद हो रेटिना याद नहीं, रेटिना अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, दृष्टि पटल, तो यहाँ बता, अब है इसमें और क्या होता है भैया, तो पक्षमावी पेशियाँ, क्या होता है, पक्षमावी पेशियाँ, ये पक्षमावी पेशियाँ कहाँ पे होती है, तो ये यह है, देखिए ये देख रहे हैं, ये पक्षमावी पेशियाँ हैं, आपको हम ग्रीन कलर से दिखाएंगे, ये ग्रीन कलर बताइए नहीं है भैया, कोनो कलर नया हो ना भैया, देखिए ये देखिए ब्लू कलर से, देखिए ये देख रहे हैं, ये सब क्या है, पक्षमावी पेशियाँ, देख रहे हैं ये क्या है, पक्षमावी पेशियाँ, दिखाइए जरा, पक्षमावी पेशियाँ, इसको सिलियरी पेशियाँ कहते हैं अंग्रेजी में, सिलियरी मसल्स, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कहते हैं सिलियरी मसल्स, तो सिलियरी पेशियाँ भी कह सकते हैं इसको आप, ठीक है ना, ये क्या करता है, ये बहुत बड़ा काम करता है, ये क्या करता है, ये आँख के नेत्र लेंस जो है, नेत्र लेंस के आकार को बढ़ाता घटाता है, माने कि ये नेत्र लेंस का आकार फिक्स नहीं है, ये नेत्र लेंस कभी लंबा कभी गोला कभी घिंचाता रहता है, ये घिंच गया था पतला हो गया, सिकुड़ गया था मोटा हो गया, मतलब यही नेत्र लेंस के फोकस दूरी को बढ़ाता और घटाता है, नेत्र लेंस अगर ऐसा हो गया इसका फोकस दूरी बढ़ गया, और जब ऐसा हो गया तो फोकस दूरी घट गया, अब इसको खींचेंगे जैसे कि भुलाना, मान लो बैलून है ऐसे गोल, इसको खींचेंगे तो लंबा हो जाएगा, फिर छोड़ेंगे तो क्या गोला हो जाएगा, फिर टाइटता है लंबा गोला, ऐसे लंबा गोला होता रहेगा बार बार, क्या तो इसको कौन खींच रहा है, ये धागा की तरह रहता है पक्षमावी पेशियाँ, जो इसको खींचता है तो लंबा रहता है, अथवा ऐसे हो गया फैल गया तो क्या हो गया गोला हो गया, तो ये पतला मोटा होता रहता है लेंस, माने लेंस जो है हमेशा आकार बदलता रहता है, एक जैसा फिक्स नहीं रहता है, ये कैमरा का लेंस नहीं है कि वो फिक्स रहेगा, कैमरा में तो जूम करने का पावर होता है, हम जूम करते हैं ऐसे करके जूम करते हैं तो उनका बढ़ता घटता है, इसमें ऑटोमेटिक होता है, आप नजदीक की वस्तु देखिएगा दूर की वस्तु देखिएगा तो सब में फोकस लेंस अलग अलग होगा फोकस उसका, और ऑटोमेटिक जो है ये पक्षमावी पेशी ऑटोमेटिक एडजस्ट होती रहती है, इसी एडजस्ट होने की जो क्षमता है इसे कहते हैं क्या, सामंजन क्षमता, क्या कहते हैं, याद कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, पक्षमावी पेशियाँ क्या है, तो यह एक सिलियरी मांसपेशियों से बना हुआ रेशा रेशेदार है, ये क्या करता है उसी से नेत्र लेंस को लटकाए रखता है, इसे नेत्र लेंस को पकड़ता है इसे, और क्या करता है, अब नेत्र लेंस के आकार को नियंत्रित करता है, लेंस कितना बड़ा होगा छोटा होगा यही नियंत्रित करेगा, मेन यही है बड़ा छोटा करने वाला, और इसी क्षमता को कहते हैं क्या, समंजन क्षमता,
मानव नेत्र की वह क्षमता जिससे वह अपने फोकस दूरी को खुद से समायोजित कर लेती है, खुद बढ़ा घटा लेती है, इसी क्षमता को कहते हैं क्या? समंजन क्षमता। क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। और ये बुढ़ापा में कमजोर हो जाता है, इसीलिए बुढ़ापा में नजदीक दिखाई दे रहा था दूर नहीं, दूर दिखाई दे रहा था नजदीक नहीं, आ कभी कभी दोनों दिखाई नहीं दे रहा है, होता है ना जी। जवानी में जब तक आप युवा अवस्था में रहते हैं, बचपना में रहते हैं, तो आपका दोनों पावर ठीक रहता है, आप नजदीक की वस्तु को भी आराम से देख सकते हैं और दूर की वस्तु को भी आराम से देख सकते हैं। ये आराम से फ्लेक्सिबल होता है, आराम से फैलता और सिकुड़ता है, तो आराम से फैलेगा सिकुड़ेगा तो आराम से इसका साइज बड़ा छोटा होते रहेगा, तब तक हम आराम से किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ते चला जाएगा तो ये पेशियां काम करना खराब, मैंने पेशियां क्या, शरीर का सब अंग काम करना बंद कर देता है, हाथ से उठेगा नहीं, दांत से चबाए दांत टूट जाएगा, जीभ से हिलेगा नहीं, आंख से दिखाएगा नहीं, कान से सुनाएगा नहीं, टांग से चला नहीं होगा, पेट में पचेगा नहीं खाना, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होता है, सब अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। उसके बाद एक तो समय आता है सांसें रुक जाती है, धड़कने रुक जाता है, बस स्वाद है ना, तो एक अलग बात है। तो बुढ़ापा आने पर तो सबको ये सब सिस्टम होना ही है, ये खराब हो जाता है, इसीलिए अल्पेशिया, इसीलिए चश्मा लगाना पड़ता है। उसके बाद अब किसी किसी को युवा अवस्था में ही चश्मा लगाना पड़ जाता है, तो उसका भी एक अलग कारण है, बहुत सारा कारण होता है उसका, ऐसा नहीं कि उसका सिलड़ी पेशिया खराब हो गया है, वो विटामिन की कमी से भी हो जाता है, विटामिन नहीं मिलेगा पूरा, तो पावर वाला चश्मा, कोई तो स्टाइल में चश्मा लगाता है, कोई कोई पावर वाला चश्मा भी लगाना पड़ता है, और किसी किसी को भयंकर मोटा मोटा चश्मा लगाना पड़ता है, या मोटा मोटा बचपना में किया तरीका, वो बच्चा है मुँह गोल गोल है, आँख चश्मा हता हता है मोटा मोटा, इतना मोटा मोटा चश्मा लगाना पड़ता है उसको, उसको ना नजदीक दिखाई दे रहा ना दूर दिखाई दे रहा है, चश्मा खोल दिया तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बचपना में ऐसा बीमारी हो जाता है। कारण क्या है? उसका जन्मजात भी हो सकता है, हेरिडिटी हो जाता है, हो सकता है उसके मम्मी पापा को प्रॉब्लम हो तो बच्चा में भी आ जाता है, ऐसा भी होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो हरे पत्तेदार सब्जी नहीं खा रहा है, पालक नहीं खा रहा है, भिंडी नहीं खा रहा है, घिवरा नहीं खा रहा है, झुंगनी नहीं खा रहा है, परवल नहीं अच्छा लगता है, खाली उसको आलू अच्छा लगता है, तो ऐसे बच्चों को खासकर प्रॉब्लम हो जाती है। पालक का साग में विटामिन ए होता है, बथुआ के साग में विटामिन ए होता है, वो खाइएगा तो उससे क्या विटामिन ए मिलेगा, आँखों की रोशनी में थोड़ा वृद्धि होता है, वो एक अलग मैटर है। यहाँ पे बात हो रहा है क्या? पक्षमावी पेशियों की। तो पक्षमावी पेशियाँ समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में? सिलियरी मसल्स। क्या कहते हैं? सिलियरी मसल्स, सिलियरी पेशियाँ भी कहते हैं इसको। अब है कच्चाव द्रव। क्या है? कच्चाव द्रव। देखिए होता क्या है कि अभिनेत्र लेंस और दृष्टि पटल के बीच में द्रव भरा रहता है। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक खाली तो नहीं छोड़ेंगे? गॉड जी कहते हैं कि भैया यहाँ से यहाँ तक खाली रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, कुछ भर देते हैं इसमें। तो वो क्या करते हैं? इसके बीच में कुछ कुछ भर देते हैं, या इसके बीच में कुछ कुछ भर देते हैं। क्या भर देते हैं? तो कच्चाव द्रव कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कच्चाव द्रव। ये जो द्रव था ये था नेत्रोध। क्या था ये? नेत्रोध। इसको लिखे थे कि नहीं लिखे थे? नहीं लिखे थे। ये दूसरा नंबर तीसरा नंबर पॉइंट था, ये था नेत्रोध। नेत्रोध, नेत्रोध क्या होता है? ये भी एक द्रव होता है। देखिए नेत्रोध जो होता है, दोनों में फर्क क्या है? देखिए नेत्रोध जो होता है ये स्वच्छ मंडल और परितारिका के बीच में, देखिए ये परितारिका ये है, परितारिका ये है और ये स्वच्छ मंडल है, इसके बीच में जो द्रव पाया जाता है उसको क्या कहेंगे? नेत्रोध कहेंगे। क्या कहेंगे? नेत्रोध। आ ये जो है ये लेंस और रेटिना के बीच में, देखिए लेंस और रेटिना के बीच में द्रव होता है उसको क्या कहते हैं? कच्चाव द्रव। क्या कहते हैं? कच्चाव, कच्चाव द्रव। इससे क्या होता है? देखिए आंख में ये सब द्रव जो रहेगा तो आंख को शीतलता प्रदान करता है और लेंस में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, मतलब क्या लेंस आराम से घूम सके, स्क्रीन में देखते देखते ना साइकिल में क्या चक्का आराम से चल सके, मोबिल डालते हैं उसमें ग्रीस लगाते हैं ना ताकि आराम से घूम सके उसमें, उसी प्रकार से आंख के बीच में लेंसवा को एने एने हम लोग क्या ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरह रहते हैं तो पुतली है, अब लेंसवा को एने घूमना पड़ता रहता है, जैसे होना पड़ता है तो कोण घुमाने के लिए कोई फ्री वाला चीज चाहिए ना भाई, तो इसको ठंडा रखने के लिए और प्लस में इसका सही से अपवर्तन हो पाए, यह एक माध्यम का काम करता है, प्रकाश एक माध्यम में घुस रहा है तो उसका परावर्तन अपवर्तन ठीक से हो पाए, तो दो काम करता है, एक तो आँख को ठंडा रखने का काम करता है, दूसरा दूसरा दो या तीन को काम हो गया मेन लिए, एक वो आँख को ठंडा रख दिया, दूसरा क्या किया लेंस को हिलने डुलने में आराम से मदद करता है, ये कि आँख को आराम से मदद करता है हिलने डुलने में, देखते आराम को आराम से आँख मदद करके सुतल है तो उसको भी रेस्ट मिल रहा है, उसको नेत्रोध में आराम से शांति मिल रहा है ना। एक्स्ट्रा बात क्या होता है दूसरा तीसरा कि अपवर्तन करता है, मतलब क्या कि प्रकाश जब घुस रहा है तो इसका एक माध्यम का काम करता है ताकि रेटिना पे आराम से प्रतिबिंब बनने में सुविधा हो, तो रेटिना पे प्रतिबिंब बन जाता है, तो इस प्रकार से यह भी इसका भी एक काम है। गॉड जी जितना भी चीज़ बनाए सबका कुछ ना कुछ काम होता है, ऐसे ही कुछ और नहीं बनाए, लोगों को लगता है ऐसे ही भगवान जी कुछ बनाते हैं, मोच बनाने का भी काम है, दाढ़ी बनाने का भी काम है, जो रुआ आता है सही में जो बाल आ रहा है ये प्रोटेक्शन है,
है ना, ये प्रोटेक्शन है, बहुत सारा प्रोटेक्शन है, ये सब प्रोटेक्शन, इसको मामूली मत समझिए, ये रेशा भी प्रोटेक्शन ही है। हम लोग सोचते हैं कि भाव फालतू में रही है, एगो खर्चा है, फिर आईब्रो बनाना पड़ता है बार बार, तो वो भी एक प्रोटेक्शन है ना। जब लाइफ में इतना बड़ा हो गया तक आईब्रो नहीं बनवाए, कोई वो बनवाए नहीं किए, देख लीजिए थोड़े आज के बच्चा सबको देखते, लड़का सबको भी आईब्रो बनवाने जाता है, हम बैठे थे देखा आईब्रो बना दीजिए हमको, देखिए तो अभी उम्र कितना है, 8-9 साल है, 8-9 में पढ़ता है छोटा सा, 12-13 साल का लड़का आईब्रो बनवा रहा है, लड़का सब, लड़की तो थोड़ी है, लड़का बनवाता है, आईब्रो बनवाइए, फिट करवाएंगे, आईब्रो अच्छा लगना चाहिए छोटा सा। आज तक हम लोग जिंदगी में कभी बना है, शादियों में बनवा के नहीं गए थे आईब्रो, बताइए जैसा ना है गौर जी का बनाया ठीक है रहने में, लड़की लोगों का होता है थोड़ा सा, लड़की लोग नहीं औरत लोगों का, उन लोगों ठीक लड़की लोग क्या बनाएंगे। अब देखिए तो ये जो आईब्रो का भी एक अपना काम है, पसीना छतरी है, पसीना यहाँ पे आएगा घुसने नहीं दे, छोटा साइड से कर, पसीना यहाँ टपका माथा में, पसीना यहाँ टपक रहा है इधर कड़ी से साइड से आओ, जैसे गिरो साइड में, आँख में नहीं पड़ने देंगे, ये छतरी है, छतरी है, तो क्या समझ रहे हैं गौर जी, पसीना जब आएगा ना बुआ तो अंदर में, और पसीना में नमकीन पदार्थ एसिड होता है, तो आँख में पड़ेगा तो पड़पड़ाने लगता है, पता है ना, कभी कभी गर्मी में देखते हैं छतरी को भी पार कर जाता है पसीना, हाँ आँख में घुसता है तो बाबा चिल्लाना पड़ता है, आँख लाल हो जाता है ना, तो छतरी है साइड में गिरने दो, अभी को छिला देता है कितने आदमी, नहीं क्लास में हमारे लड़का था ऊपर छिलवाइए लिया था, पपड़ छिलवा के सॉरी कहा गरी ये कहाँ है सर छिलवा लिए, ये कहाँ रहा छिलवाए, तो आजकल लोग कहता है कि कोई हमको देखे, और लोग को दिखेगा नहीं ना तो छटपट आ जाता है, कितना आदमी को दिखाने का बड़ा शौक है, जब उसको कोई देखता नहीं है क्लास में आ रहा है जा रहा है कोई हमको जाने तो उठपटांग हरकत करेगा, किसी को मार टोक देगा, सर हमको मारा सर हम नहीं मारे ताकि फेमस हो जाए क्लास में, जान बुझ के ना तो बतियाएगा कोई कुछ कुछ कहता है एक कहाँ बतिया रहा है, तो उस तरह से मतलब अपना दबदबा बना के रखेगा बस, तो भोरे चिल्ला के चलाया लड़का वो क्या लगे हमको कोई देख भी नहीं करता, आप लोग सब देख रहा पूरा क्लास देखा उसको देख रहा था, बहुत चिल्ला कर एगो को देखे क्या वो तो कान में पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ले पहुँच लेता, और गोल 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 नाकों में पहन ले छोटा अजीब अजीब लड़का सब, शहर में जाइए गाँव में तो ठीक है देखा, गाँव में तो मम्मी पापा मार मार के कूच देता है, शहर में देखिएगा हमारे इतना उडरता करता लड़का सब पूछे, एक पर एक वैरायटी वैरायटी लेकर मिलेगा, अपने पपनी पर छिला लेता है बताइए कौन स्टाइल है, गॉड जी का बनाया हुआ हर एक चीज जान लीजिए, गॉड जी जितना भी चीज बनाया ना हर के पीछे एक रहस्य है, सबके पीछे एक रहस्य है, गॉड जी फालतू में कुछ बना के देवे नहीं किए, सबका एक काम बना के दिए, हम लोग लगता है इसे फालतू में दे दिया है, द्रव्य बहुत बड़ा काम का चीज है। चलिए आगे देखिए क्या है, अगला पार्ट है दृष्टि पटल, जिसे कहते हैं क्या रेटिना, आपको बताइए दिए, रेटिना एक पर्दे की तरह काम करता है, जहां जैसे प्रोजेक्टर से, ठीक से बैठो, प्रोजेक्टर से जैसे फोक्सिंग मारते हैं तो ऊपर बनता है ना चित्र जी, फिल्म देते हैं ना, उसी प्रकार से यह एक पर्दा की तरह काम करता है, जहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब कैसा भी हो बनेगा रेटिना पर, रेटिना पे बनेगा, अब यहाँ से क्या होता है रेटिना पे बन गया तो कैसा बना ये भी याद रखिएगा, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है, याद रखिएगा रेटिना पे बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है, दिमाग में सेट कर लीजिए, और क्या इसी रेटिना में क्या होता है तंत्रिका तंत्र जुड़ा होता है, तंत्रिका तंत्र जुड़ा हुआ है, इसमें दृक तंत्रिका तंत्र जुड़ा रहता है, अब ये क्या करता है रेटिना से, ये आराम से यहाँ से जो भी सिग्नल आता है ये मस्तिष्क ब्रेन को भेज देता है, ब्रेन में गया रे भैया वहाँ पे आदमी खड़ा है, तुरंत देखे वहाँ पे पंखा है, वहाँ पे ये है ट्राइपोड है, वहाँ पे स्टूल है, खट से माइंड वहाँ पे डेवलप, पहले प्रतिबिंब बना रेटिना पर, रेटिना से तुरंत सिग्नल गया एकदम इलेक्ट्रिक सिग्नल की तरह, एकदम इलेक्ट्रिक सिग्नल जैसे बटन टीपे पंखा चालू हो वैसे खड़ाक से जाता है, उससे भी तेज तुरंत सिग्नल जाता है मस्तिष्क को जाता है कि भगवा वहाँ स्टूल है, अब ब्रेन में सीधा बनता है प्रतिबिंब उसका, यहाँ पे उल्टा बना है अब ब्रेन में जाकर फिर सीधा हो जाता है, तो हम लोग को सीधा सीधा दिखाई देता है, बस उल्टा उल्टा दिखाई देता है, मर जान लीजिए सीधा का भी उल्टा प्रतिबिंब, रेटिना पे जाकर अगर कोई देखे तो दिखाएगा उल्टा बन रहा है सब कुछ का, और रेटिना से सूचना ले गया तो क्या कर दिया सीधा कर, ब्रेन उसको क्या कर लेता है सीधा, ये करता ऑटोमेटिक फिट है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा अपने आप, इतना हाली हाली काम होता है ना गौर जी इतना ना फास्ट बनाए हुए इसमें, तो एक देर में लगता है कि वहाँ से अरे वहाँ तो कुत्ता है, अरे भैया तुरंत देख ली वहाँ पे कुत्ता, तुरंत ऊपर काम हुआ होगा क्या, कुत्ता को देखे प्रकाश वहाँ से यहाँ आया आँख पे गया लेंस से टकराया लेंस के अंदर से घुसा, लेंस के अंदर से घुसने के बाद में उसके निकला और प्रतिबिंब रेटिना बना, रेटिना उसको सिग्नल भेजा मस्तिष्क में देखा और डिसाइड करके बताएगा कुत्ता है, इतना काम इतना सेकंड में होता है नैनो सेकंड में कि आदमी को पता नहीं चलता कि कब डिसाइड कर लिया कि यहाँ मोबाइल है और वहाँ पे माउस लटका हुआ है, खट खट समय में आता है,
बहुत नैनो सेकंड में काम होता है ये सब, गौर जी का बनाया हुआ सब कुछ सिस्टम है ना। अब देखिए तो ये सब समझ में आएगा दीपचंद जी का क्या होता है। इसमें दो तीन बिंदु हमने बताए हैं और भी मानव नेत्र में पढ़िएगा, भारतीय वन पढ़िएगा, इसमें मिलेगा दो तीन को पॉइंट और मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक होता है आंध बिंदु, एक होता है पीत बिंदु। एक आंध बिंदु क्या होता है, यहाँ पे अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो दिखाई नहीं, ब्लाइंड स्पॉट होता है, वहाँ पे कोई भी वस्तु दिखाई देवे नहीं करेगा। अब किसी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया ना तो वस्तु दिखाई नहीं देता, उसको ब्लाइंड स्पॉट करते हैं, है ना, आंध बिंदु। एक होता है पीत बिंदु, क्या होता है पीत बिंदु, वहाँ पे कोई वस्तु का प्रतिबिंब खट से दिखाई देता। तो ये सब उतना दिमाग नहीं लगाइए, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन पार्ट इसका आपका यही है जो आठ को पॉइंट पढ़ाए हैं, याद रखिएगा। मेन मेन पार्ट कौन कौन है फिर से समझ लीजिए, एकदम ध्यान कर लीजिए और हमेशा के लिए याद कर लीजिए। मानव नेत्र आपको बनाने भी आना चाहिए, अगर बनाने नहीं आता है तो चित्र फिर हम बना के दिखा देंगे कैसे कैसे बनता है, और आप उसका हर एक पार्ट